आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के कई जिलों सहित सागर जिले में भी बारिश का कहर लगातार जारी है और आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह से आम लोगों को राहत पहुंचाने में जुटा हुआ है, लेकिन इस बीच सागर जिले की राहतगढ़ स्थित समेरा मेड़ा गाँव में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जहाँ एक गर्भवती महिला को खटिया में लिटा कर कंधे में रखकर पुल को पार कराया गया है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र ले जाते समय रास्ते में ही ऑटो में महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। हालांकि अब जच्चा और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मामला सागर जिले के राहतगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समेरा मेढ़ा गांव की है। बताया गया कि वीर सिंह आदिवासी की पत्नी गर्भवती थी। शनिवार को सुबह 10 बजे अचानक महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद वीर सिंह ने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन तकरीबन 4 फुट ऊपर पानी पुल पर होने के कारण एम्बुलेंस गांव नहीं आ सकी। ग्रामीणों ने एक चारपाई में महिला को लिटाया और कंधे में लादकर पुल के ऊपर चल रहे 4 फुट पानी के बीच से पुल को पार कराया है, जहां ऑटो के माध्यम से परिजन महिला को राहतगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे थे, तभी रास्ते में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। हालांकि महिला को राहतगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां मेडिकल परीक्षण के दौरान जच्चा और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ बताए गए हैं। कौन से साधन से आई? ऑटो से आई। ऑटो गांव गया था? गांव गया था ऑटो से। ऑटो